अमेरिका से रिहा हुआ विक्टर बाउट ने पुतिन की तारीफ की है। मैं हमेशा अपनी सेल में पुतिन की फोटो रखता था, विक्टर बाउट ने कहा। मुझे राष्ट्रपति पुतिन पर गर्व है। अमेरिकी अधिकारियों की हत्या के केस में 25 साल की कैद में था विक्टर। बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर के बदले अमेरिका ने विक्टर बाउट को रिहा किया और उसके बाद ये जो बयान है वो विक्टर बाउट की तरफ से दिया गया है। और अब आपको हम ये बताते हैं कि पुतिन का विक्टर मौत का सौदागर है क्या, ये बड़ा सवाल है। जानकारी ये मिल रही है कि आतंकवादी संगठनों और तानाशाहों को हथियारों की सप्लाई का आरोप है। अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों की हत्या का भी इनके ऊपर आरोप है। 2012 में 25 साल की कैद की सजा इन्हें सुनाई गई। विक्टर बाउट खुद को सोवियत वायुसेना का पूर्व अधिकारी बताता है। ये जानकारी जो कि मुहैया कराई गई है, अवेलेबल है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद विक्टर ने रूसी नागरिकता ले ली थी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और विक्टर के आतंक पर हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर के बदले इनकी रिहाई हुई। मॉस्को में ब्रिटनी ग्राइनर गांजे के साथ गिरफ्तार हुई थी और उनके बदले में ही इन्हें अब रिहा किया गया है। पुतिन का विक्टर कर्नल शुक्ला मौत का सौदागर है क्या, विक्टर के बारे में जो जानकारी अवेलेबल है वो हमने आपको बताई, लेकिन युद्ध के बीच में इनका क्या, इनकी खबर आने की क्या भूमिका आप देखते हैं? विक्टर की जो स्टोरी जाती है कि वो एक बहुत बड़े हथियार के सप्लायर रहे हैं और उन्होंने रशिया की बहुत ज़्यादा मदद करी है उन इलाकों में, उन अफ्रीकी देशों में जहाँ पे तख्ता पलट होने की संभावना थी या उन्होंने कर दिखाया था। और आप उसकी इनकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के लिए उन्होंने 12 लोगों को एक्सचेंज किया है, यानी कि उनके लिए बहुत हाई प्रोफाइल टारगेट है, व्यक्ति है, और इसीलिए उन्होंने उसको 12 लोगों को रिलीज करके उनको रिलीज करवाया है। तो डेफिनेटली इनका इस समय जो युद्ध चल रहा है। आखिरी कमेंट में सिन्हा साहब आपसे लूंगी, ये जो युद्ध में इस वक्त जा रहा है, जिस रास्ते पर जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये और ज्यादा उग्र होगा, और ज्यादा आक्रामक होगा, या फिर थोड़ा विंटर्स की वजह से ये थोड़ा ठंडा पड़ेगा, आपको क्या लगता है? विंटर में थोड़ा सा लल आएगा, लेकिन मुझे लगता है ये युद्ध लंबा खींचेगा, क्योंकि अमेरिका की सोच बहुत साफ है कि रूस को ब्लीड करो, इतना खून बनाओ बहाओ कि वो आउट ऑफ इक्विपमेंट चला जाए, अपना वेपनरी से उसका शॉर्टेज हो जाए जी। और इसीलिए जो ईरान से मिसाइल वगैरह ले रहा है वो उसके बाद का दोतक है। तो कितना दिन रूस अपने वॉर सस्टेनिंग कैपेबिलिटी को सस्टेन कर सकता है, ये महत्वपूर्ण है। और तकरीबन 10 महीने का वक्त हो गया है और ये युद्ध और इससे जुड़ी जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये साफ बता रही हैं कि ये युद्ध अभी थमने वाला है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।